मोबाइल न्यूज 24 मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है आज की ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में एक मेगा राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस रैली के लिए घाटी का दौरा भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज वे उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर इंदौर उज्जैन 4 लेन सड़क का भूमि पूजन करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जहां टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से चेन्नई में खेला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चित्तौड़ आएंगे, अनगढ़ बाबजी में करेंगे दर्शन। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की करेंगे शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज लॉन्च हो सकता है। रोहतक में पार्टी चुनाव कार्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद वक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज निर्धारित की गई है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और उस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि अभियान पहले 18 सितंबर से शुरू होने वाला था। अयोध्या की गैंगरेप विक्टिम से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने विक्टिम को न्याय का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही सरकार प्रशासन से दोबारा नौकरी देने की मांग की। बिहार भूमि सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा, सरकारी जमीन की गलती जमाबंदी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। विभाग ने ऐसे पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भेज दिया है। वहीं राष्ट्रपति को भेजे पत्र में 21 सितंबर को मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख भी प्रस्तावित है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि PUDA और बाकी क्षेत्रीय विकास अथॉरिटी ने 6 सितंबर को शुरू अपनी प्रॉपर्टीज की ई नीलामी शुरू की थी और ये ई नीलामी करके 2,945 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, वहीं इस भूस्खलन में राजस्थान के बांसवाड़ा के करीब 100 यात्री भी फंसे हुए हैं, जहां घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सीएम आवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहीं 20 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए क्विंटल किया है, लेकिन सरकार का यह फैसला किसानों को रास नहीं आ रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इस मांग को लेकर 1 अक्टूबर को पूरे देश में 3 घंटे के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की घोषणा की है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बेरोजगार, 20 सितंबर को करेंगे सचिवालय मार्च, सीएम को देंगे ज्ञापन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 8 अक्टूबर 2024 के बाद यहां उपराज्यपाल नहीं बल्कि एक निर्वाचित सरकार फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा उपराज्यपाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी और वही कानून बनाएगी। पीलीभीत पहुंचे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर निशाना साधकर बोले, उनका देश विरोधी ताकतों से है नाता। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि 34,000 परिवार को निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए परिवारों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी ताजा तरीन खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।